गुड मॉर्निंग आप सबको दोस्तों। इस वक्त मैं अपने घर का कुछ फंक्शन है, कुछ एक्टिविटी हो रहा है घर में, जिसके लिए मुझे चावल लेने जाना रहा और लगे हाथ मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा दीदार कराई जाए। क्या दीदार कराई जाए? ये ठेला गाड़ी हमारे पिताजी जो है उन्होंने अपने हाथों से बनवाया था अपना घर का काम काज के लिए। और धान वगैरह चावल वगैरह हमारा जमीन दूर दूर तक है, तो वहाँ से सामान वगैरह लाना पड़ता है ना। तो चावल करीब करीब 50 kg जैसा हमको लाना है, तो गांव का दुकान से ये मिल जाएगी। तो मैं जो हूँ ना, इस वक्त ठेला गाड़ी हम चलाते थे यार बचपन में बहुत ज़्यादा, ये सब काम काज में हाथ जो है बटाते थे। अब बड़े होकर बाहर चले गए, जिसके लिए ये सब एक्टिविटी होता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी एक झलक दिखाई जाए और अपना पुराना ठेला जो है उसी को चलाया जाए और आपको भी थोड़ा दिखाया जाए। तो लीजिए, रोड में हम ठेला गाड़ी जो है चलाते हुए और सामने दुकान होगा उसमें से चावल लेंगे, फिर घर आ जाएंगे। तो वक्त जो है ना, मैं ठेला चलाऊँ, मैं परफेक्ट हूँ यार ठेला चलाने में, और लगे हाथ वीडियो भी कर रहा हूँ। और ये हमारा ये हिस्ट्री है, इतिहास है, ये ठेला जो है हमारे पिता का हाथ का बना हुआ ठेला है, अपने हाथों से उन्होंने बनाया है, बढ़िया है, मजबूत है। चलिए चावल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये गाँव का दुकान है, इसी में मैं आया था चावल वगैरह लेने के लिए, पूरा घर का सामान वगैरह राशन वगैरह। तो अब देख लीजिए, यही दुकान है, ये गांव की चहल पहल जो है यही है। ये हमारा ठेला है, यही रख दिया हमने। तो जो है पहले ये दुकान हुआ करता था, अब जो है इन्होंने, ये गांव का माहौल है, ये गांव का, मेरा गांव का एकदम अंदर साइड है, चावल का खेती वगैरह की जा रही है। ये देखिए, यही वो दुकान है, यहीं से लेंगे, सामने मेरा घर है। तो हम भी हो चले थे, तो थोड़ा सा गांव वाले लाइफ भी आपको दिखाने की कोशिश की हमने। तो अब देखते रहिए चावल लेने का। तो भैया हमने जो है ले ली हुई है चावल जो है, हमारे को चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा कद ही मिला, छोटा साइज का होता है, पुलाव वगैरह बनाने के लिए होता है, बिरयानी वगैरह बनाने के लिए होता है। तो हमने जो है, अब देखिए चाहिए तो 50 kg हमारे को मिला, 25 kg करीब करीब। तो हमने जो है अब ठेले में उठा लिया हुआ है। भाई लोग आज के यूथ को क्या हो गया, नहीं करते ये सब चीज़ें, इन्वॉल्व होना चाहिए, फैमिली में साथ हो तो आपको ये सब जो है कामकाज में आपको पार्टिसिपेट जो है करना चाहिए, ये सब कामकाज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये दो तरीके से आप चला सकते हो, सीधे खाली चलाओगे तो आप सीधा इधर को चलोगे, और आपका जो वो लोड गाड़ी होगा ना तो आपको इस तरह से चलाना है। तो हम आज के यूथ से कहेंगे कि भाई साहब, ये सब चीज़ों में अभी लोग जो है शर्म करते हैं, बाहर हो जाते ना, तरक्की कर जाते हैं, पैसा वाले बन जाते हैं, जो इनके लिए उनको होता क्या है भाई, ये सब जो भी बस्तियों में आने से गांव गली का जो अपने घर गाँव वाली या विलेज लाइफ जो है वो नहीं करते, उसमें घबरा सा जाते हैं, शर्मा सा जाते हैं, पता नहीं उनको अजीब सा कुछ इस तरह से हो जाते कि भाई वो नहीं करते, ये काफ़ी चिंता वाली बात है। मुझे देखो यार, मैं ऐसा चीज़ें जो है अमूमन मैं करता रहता हूँ, क्या शर्माना, क्या ये करना, कॉन्फिडेंट रहो यार, जो हो जैसे हो कॉन्फिडेंट रहो। लोग देखेंगे लोग सोचेंगे, इस बात को आप समझ सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपका ही लॉस होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका फैमिली टूटेगी, आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स आएंगी काफ़ी सारी। तो भैयो मैंने सोचा आपको दिखा दी जाए, चलिए हम अब ड्राइव करते हैं और आगे जाके मिलते हैं। तो भैयो हम इस तक ड्राइविंग कर रहा था, तो देखिए मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा PAG डिपार्टमेंट का जो पानी जो है सप्लाई की जाती है जगह जगह बस्तियों में, हर बस्ती में आपको इस तरह का PAG डिपार्टमेंट के द्वारा आपको वाटर सप्लाई यहाँ कहा जाता है, पानी को प्यूरीफाई करके साफ सुथरा करके लोगों को दिया जाता है। नल होगा पीछे, तो जगह जगह नल होगा पानी पीने के लिए। रुकिए हम आपको नल दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो नलका है यहाँ, नल यहाँ पानी आता है, टाइम होता है, टाइम टेबल एक शेड्यूल होता है, उसी टाइम में पानी वगैरह दी जाती है वहाँ। अब गाँव में बस्ती में गलियों में जगह जगह 100 मीटर 50 मीटर करीब करीब आपको इस तरह का नलका मिलता है। भाई साहब भी आ जाए, आए तो ऐसा नलका मिलता है। पानी का टाइम क्या है, शेड्यूल क्या है भाई साहब? लोग आते हैं। तो ये बस्ती का रास्ता है, मेरे पीछे नलका है, और उससे पीछे यहाँ प्यूरीफाई की जाती है, पानी को इस तरह से दिया जाता है। पानी जो है यहाँ का बहुत अच्छा नहीं है,
और जो क्वालिटी है। तो भैया थोड़ा नॉलेज की बात करते हैं, आपको यू टर्न लेना है ना गाड़ी को, सीधे नहीं लेना, नहीं तो चक्का जो है बेंड हो जाता है, ये जो है चक्का जो है ना आपका बेंड होता है, सीधे नहीं लेना, आराम से यू टर्न बढ़िया से काट करके, काट मार के लेना है। तो हमने दिखाने की थोड़ा सा ज्ञान की बात से कर रहा था, ऐसे सीधे नहीं करना है, मैंने ये है ना गाड़ी सीधा ऐसे नहीं करना है, तो चक्का में प्रेशर पड़ के चक्का टाल बोला जाता है, टाल यानी कि थोड़ा सा बेंड होने का चांस रहता है, ये जो चक्के है, ये जो टायर है, रिंग वगैरह, तो इसको आराम से अपने तरीके से दोनों को स्लोली स्लो मोशन इस तरह से पार करना है। तो ये मैंने बचपन में सीखा था ड्राइविंग करना, सोचा थोड़ा सा नॉलेज की बात कर देता हूँ आपसे, हालांकि गाड़ी खाली है, लोड है उतना नहीं है, जिसके लिए मैं वीडियोस वगैरह शूट कर पा रहा हूँ। अब घर आने को है और थोड़ा सा एक झलकी आपको दिखाने की हमने कोशिश करते हैं और इससे आपसे विदा लेते हैं।